हेलो, टुडे इज 12th of July और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लॉकडाउन 2 में जो 10th of July से स्टार्ट हो गया है, मैं कोरोना डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और जितना पॉसिबल हो पाए मैं एक अच्छी जानकारी सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो किसी इंडिविजुअल में है तो वो रिस्क फैक्टर के कैटेगरी में वो आ जाते हैं। जैसे अगर किसी की उम्र 60 से ज़्यादा है तो उसे अपने आप को समझना चाहिए कि उसमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी की उम्र 60 से ज़्यादा नहीं है, कम है, पर फिर भी उसमें कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता हो और उसकी दवाइयाँ ले रहा हो, या डायबिटीज़ का पेशेंट हो, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, क्रोनिक कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें उसे बहुत सारी दवाएं लेनी पड़ती हैं, तो वो भी रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे। कैंसर के पेशेंट या कोई बंदा जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा हो, तो उन लोगों को थोड़ी कोरोना के टाइम में सावधानी बरतनी चाहिए। उसके अलावे प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चे, लेकिन बच्चों से रिलेटेड एक अच्छी बात ये है कि बच्चे इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं लेकिन जो ड्रेडेड कंडीशन है वो बच्चों में नहीं होता है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एलमाइटी, दे आर सेफ। पर कोरोना हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कोरोना नहीं हो सकता है। जो उसके सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों में देखने को बहुत कम मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए सावधानी तो बरतनी होगी। तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये सभी रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से विटामिंस एंड मिनरल्स अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों को बेसिकली कोरोना के टाइम में लेने चाहिए। उसमें सबसे पहला, मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था क्या क्या खाना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। वो इसलिए क्योंकि विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिंस है, और विटामिन की तरह जैसे ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल नहीं है। तो विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। कोरोना और हमारे इम्यून सिस्टम की फाइट चलती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो बूस्टअप करेगा वो कोरोना को नेचुरली हरा देगा। तो विटामिन सी इम्यून बूस्टर का काम करता है। तो विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स क्या हैं? जो भी साइट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल, जैसे खट्टे फल में नींबू, ऑरेंज, मौसमी, कीवी, या अभी बरसात के मौसम में अमरूद, गुआवा, ये सारे जो हैं, स्ट्रॉबेरी, ये सब सभी खट्टे फल हैं जिसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावे हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम कराने के लिए एक ज़रूरी विटामिन है विटामिन B6, B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। तो ये विटामिन B6 मीट वगैरह में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, और जितने भी ग्रेन्स हैं, जो मेज़ है, मक्का या व्हीट ग्रेन्स, ये सब में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा, सॉरी, विटामिन B6 काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा एक थर्ड विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई फिश में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें सैल्मन फिश है। और मिनरल्स में अगर बात करें तो विटामिंस के अलावे मिनरल्स में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक के सोर्स के लिए आप देख सकते हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, या उसमें जिंक पाया जाता है, या मीट है, एग है, ये सब रिचेस्ट सोर्स है जिंक का। या इन टोटल पूरा मिला के आप देखें तो फिश खा सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। साइट्रस फ्रूट तो खाना ही खाना है, और कैसे खाना है ये आप मेरे वीडियो में चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ बारिश के मौसम में हो भी रही हैं, तो आप ये सब खाएँ तो आपका एक हेल्दी डाइट और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं आप मिलेगा, और कोरोना से
फाइट करने में आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। तो अभी के टाइम में हम लोग जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि बिना पैनिक हुए, बिना डरे, घर से बिना बाहर निकले, घर में रह के जो हम अपना प्लेट तैयार करें वो हरी साग सब्जियों के साथ तैयार करें, और कंप्लीट फूड बनाने के लिए एक मिल्क का सोर्स ज़रूर रखें। और फिश अगर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, मीट और फिश खा सकते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो रिस्क पेशेंट हैं वो कृपया घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। आपके घर के जो एडल्ट हैं अगर कुछ बाहर का काम है तो आप प्लीज़ वो करें, और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को बाहर निकलने का मौका ना दें। थैंक यू।